हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर के हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9 की विषय गणित अध्याय 13 प्रश्नावली 13.3 अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन इसके प्रश्न 13.3 के सवाल हल करना सीखेंगे। तो देखो बच्चों, इसका सार और एक में लिखा है, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेमी है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेमी है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों देखो, लिखा हुआ हमारे सवाल में, शंकु के आधार का व्यास दिया हुआ है 10.5 सेमी और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेमी। देखो बच्चों, दोबारा समझिए, शंकु के आधार का व्यास दिया हुआ 10.5 सेमी। अब आप समझिए, मैं चित्र बना के आपको समझा रहा हूं। मैंने पहले भी आपको बताया था शंकु इस प्रकार का होता है। ठीक है, शंकु की ही होती है तिर्यक ऊंचाई, और तिर्यक ऊंचाई कितनी रखी है 10 सेमी। ये तिरछी ऊंचाई, तिर्यक नहीं तिरछी, तिरछी ऊंचाई कितनी है 10 सेमी, और तिर्यक ऊंचाई को नोट करते हैं एल से। शंकु की तिर्यक ऊंचाई को किससे नोट करते हैं? एल से, जो 10 सेमी दे रखी है। और ये आधार, इसका जो बेस होता है, ये वर्ताकार होता है, ये व्यास कितना है यहां से लेके यहां तक कितना, 10.5 सेमी। तो मैं लिखूंगा, इसलिए क्योंकि शंकु के आधार के व्यास दिया है तो हम त्रिज्या ज्ञात करेंगे 2 का भाग देके। इसलिए शंकु के आधार की त्रिज्या, त्रिज्या को 8 से नोट करते, 10.5/2 सेमी। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो सूत्र लगाएंगे हम। इसलिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र आपको लिखा रखा है पाई आर एल का। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई आर एल। सूत्र आपको याद करना है, हमारे सवाल लिखा है कि पाई का मान 22/7 लीजिए, तो ये लेना हमको। इस पाई की जगह लिखेंगे 22/7, आर का मान रखेंगे 10.5/2 और एल का मान रखेंगे 10 सेमी, यानी इतना सेमी स्क्वायर। अब आप काटना सीखो बच्चों। देखो, हम 2 को इससे काट देंगे 22 को 11 बार, और 7 को काट देंगे 105 से, तो ये 10.5 था, ये पे ये आ जाएगा 1.5। अब देखो, हमारे पास बच गया 11 × 1.5 × 10, ये फिगर बच गया, ये संख्या बच गई 11 का 11, 1.5 को 10 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 15। 1.5 को 10 से गुणा करने में कितना बन जाता है, 15 बन जाता है। गुणा करके देखना, 15 को 11 से गुणा करेंगे, 15 × 15 के 5 हासिल के, 15 × 15 में ये जोड़ दिए 16, तो 165 सेमी स्क्वायर आ गया शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल।
तो बड़ा ही सरल सवाल था बच्चों। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद में आपको इसका अगला सवाल सिखाऊंगा, सवाल नंबर दो। अब देखिए बच्चों इसका सवाल नंबर दो, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिरे ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास 24 मीटर है। बच्चों बड़े सिंपल है, देखो हमारे सवाल में शंकु की तिरे ऊंचाई तिरछी ऊंचाई एल का मान दिया हुआ है 21 मीटर और शंकु के आधार का व्यास 24 मीटर। अब व्यास से दो का भाग दे लेंगे तो त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। त्रिज्या हमेशा याद करिए, अगर नहीं दी हुई तो व्यास से दो का भाग देके, इसलिए शंकु के आधार की त्रिज्या आर बराबर होगी 24/2 बराबर 12 मीटर। तो शंकु की तिरे ऊंचाई दे रखी है और शंकु की त्रिज्या भी दे रखी है। अब हमें क्या करना, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसलिए सूत्र लगाएंगे हम, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, सूत्र आपको लिखा रखा है, देखो पाई आर कोष्टक में आर प्लस एल। देखो शंकु ये तो होता है, तो ये भाग तो होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, हम किससे ज्ञात करेंगे, पाई आर एल से, और ये होता है वर्ताकार, ये क्या करेंगे पाई आर स्क्वायर से। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों ने कॉमन किया पाई आर, ये पाई आर हमने बाहर निकाला, पाई आर का भाग इसमें देंगे तो एल बचेगा और पाई आर का भाग इसमें देंगे तो यार दो बार है, एक बार बाहर आ गया, एक बार बचेगा आर, यहाँ पे यहाँ बच गया, यहाँ बच गया, तो ये हो गया शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आधार का क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देंगे तो बचेगा पाई आर आर प्लस एल। पाई का मान रखेंगे 22/7, आर का मान रखेंगे हम 12 मीटर, फिर आर का मान 12 प्लस एल, एल का मान कितना 21 और यहां रख देंगे मीटर स्क्वायर। अब गुणा करेंगे 12 को 22 से, तो 12 दूनी 24 की 4 हासिल किए 2, 12 तो 24 में 2 जोड़ देंगे 26/7, 21 से 12 जोड़ देंगे 33 और यहां लिखेंगे मीटर स्क्वायर। अब 264 का गुणा 33 से करेंगे हम, 3 × 4 12 हासिल की 1, 3 × 18 और 1 × 19 की 9 हासिल की 1, 3 × 2 6 और 1 7, फिर ये कहीं आ जाएगा 2 × 9 7, ये 2 × 9 = 11 की 1 हासिल की 1, 1 × 9 = 10 = 17 हासिल की 1 87 बारह। बटा 7 मीटर स्क्वायर। अब इसमें हम भाग देंगे बच्चों किसका, 7 का, तो 7 × 7 बच गया 1, 7 × 14 बच गया 3, उतारेंगे 1, 7 × 28 बच गया 3, उतारेंगे 2, 7 × 28 बच गया 4, 7 × 35, इस प्रकार ये आया हमारे पास 1244.5 मीटर स्क्वायर शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल।
यदि दशमलव के आगे अपन एक अंक के आगे दो अंक, दो अंकों से ज्ञात करना चाहें तो ये 40 से 35 गया 5, 0, 7, 49, इसको और आगे तक कर सकते हो आप, ये ऐसा नहीं छोड़ सकते हो। एक अंक तक ठीक है, पर दो अंक तक ज्ञात करना चाहो तो आगे तक कर लेना, पर एक और भाग दे लेना, ये 7 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको इसके बाद में सवाल नंबर 3 सिखाऊंगा। अब देखिए बच्चों, इसका सवाल नंबर 3, इसमें लिखा है एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेमी स्क्वायर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेमी है, तो ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या तथा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो बच्चों, हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 308 सेमी स्क्वायर और दी हुई शंकु की तिर्यक ऊंचाई तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई शंकु की तिर्यक ऊंचाई L इसका मान दिया हुआ है 14 सेमी। हमें ज्ञात करने इसमें दो, नंबर एक शंकु की त्रिज्या क्या करनी है, हमें R मान ली। नंबर दो क्या क्या करना है, हमें शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये दो चीजें हमें ज्ञात करनी है, ये हमें ज्ञात करनी है। जो कैसे करेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र दिया हुआ 308 सेमी स्क्वायर और शंकु की तिर्यक ऊंचाई दे रखी है 14 सेमी, हमें ज्ञात करनी है शंकु की त्रिज्या, चाहे एल का मान ज्ञात करना हो तिर्यक ऊंचाई का या शंकु की त्रिज्या ज्ञात करनी हो। हमारे सवाल में जो मान दिया गया है क्षेत्रफल में उसी का आप सूत्र लगा दिया करो। हमारे सवाल में शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ 308 सेमी स्क्वायर, तो सूत्र सबसे पहले लगाएंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बच्चों, पाई आर एल। अब पाई का मान तो रखेंगे 22/7, आर का मान हमको देखो बच्चों ज्ञात करना है, राइट, ये हमको ज्ञात कर दी। एल, एल का मान कितना हमारे पास है 14, बराबर ये बराबर के सवाल क्षेत्रफल का मान दिया 308। अब काटकर करना सीखो, देखो 7 × 7 = 14, तो ये हो गया हमारे पास में ध्यान देना 22 × 44 = 308, 44 = 308 हो गया। तो आर का मान ज्ञात करने के लिए 308 किसका भाग देंगे हम, 44 का भाग देंगे हम, तो दे लीजिए आप 308 में 44 का भाग देंगे, पहले आप 2 से काट दो 22, ये 154। अब 22 का भाग 154 देंगे तो 22 के पहाड़े में 154 आता है 7 बार बोलने पर, तो ये कट गया 144 बार 7 बार गया 7 सेमी। तो हमारे पास में यहां पे बच्चों इस शंकु की त्रिज्या कितनी प्राप्त होगी, 7 सेमी। अब हम ज्ञात कर लेंगे, इसलिए शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल
पाई आर, आर प्लस एल का हमने सूत्र लगा दिया, पाई का मान क्या रखेंगे हम, वाई प्लस आर गुणा आर, आर का मान सात, फिर कोष्ठक में आर का मान सात और एल, एल का मान चौदह, और यानी देंगे सेमी स्क्वायर। सात से सात बढ़ गया तो यहां बढ़ गया बाईस, चौदह में सात जुड़ेगा आएगा इक्कीस। अब बाईस को इक्कीस से गुणा करेंगे या इक्कीस को बाईस से, एक ही बात है, इक्कीस दूनी बयालीस की दो हासिल के चार, इक्कीस दूनी बयालीस में चार जोड़ देंगे छियालीस, चार सौ बासठ सेमी स्क्वायर आ गया इस शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, स्क्रीन शॉट लीजिए आप, इसके बाद मैं आपको इसके बाद सवाल नंबर चौथा सिखाऊंगा। अब देखिए बच्चों इसका सवाल नंबर चार, इसमें दिया है शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है। देखो शंकु के आकार के तंबू की ऊंचाई h कितनी दी हुई इसमें, 10 मीटर, और आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या r बराबर दी हुई इसमें 24 मीटर। ज्ञात कीजिए नंबर एक शंकु की त्रिज्या ऊंचाई और नंबर दो तंबू में लगे कैनवास की लागत, इसमें तंबू में लगे कैनवास की लागत ज्ञात करनी है। किस भाव से, एक मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपए, 70 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से। देखो बच्चों कैसे करेंगे, ये हमारा एक शंकु के आकार का तंबू है, ठीक है। देखो यहां से लेके तो ऊंचाई होती है h, और यहां से लेके ये होती है r, और यहां से लेके ये होती है l, ये बन जाता है समकोण। तो देखो ये तेरे को ऊंचाई का मान क्या करना है, तो यहाँ पाई का कोई समय लघु हो जाएगी, ध्यान देना, शंकु की तीरे ऊंचाई एल स्क्वायर बराबर होती है आधार स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये एल स्क्वायर किसके बराबर होगा, कर्ण हो गया, कर्ण आधार स्क्वायर प्लस नाम स्क्वायर। तो देखो आर का मान कितना हमारे पास 24 और एस का मान कितना 10, तो 24 का स्क्वायर बन जाता 576, 10 का स्क्वायर 100, दोनों को जोड़ेंगे 676। अब दोनों वर्गमूल ले लेंगे तो एल स्क्वायर का भी वर्गमूल लेंगे हम और 676 का भी वर्गमूल लेंगे, तो इसका वर्गमूल एल और इसका वर्गमूल आ जाएगा हमारे पास 26, 26 सेमी आ गया शंकु की तेरे ऊंचाई। अब यहां पर देखो हमें क्या करें, कैनवास, कैनवास क्या लिखेगा इस वक्राकार भाग में, तो हम लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान कितना हमारे पास में 24 और गुणा एल, एल का मान आ गया हमारे पास 26 सेमी स्क्वायर। अब हम इन सबको गुणा करेंगे बच्चों, देखो 22 को 24 को और 26 को, ध्यान देना इसमें हमारे पास इतना हिंदू बढ़े, ये आ गया शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब क्या करेंगे शंकु की इसमें जो कैनवास लगेगा तंबू में कैनवास की लागत, इसलिए
70 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कैनवास की लागत, ये क्षेत्रफल है, इतने का हमको लागत याद करनी है। किस भाव से? 70 रुपए प्रति मीटर, एक मीटर स्क्वायर का कितना है? 70 रुपए। इसको 70 से गुणा कर देंगे हम, 22 बटा 7 गुणा 24 गुणा 26, इसको गुणा किससे कर देंगे हम? 70 से, 70 से हमने इसको गुणा कर दिया, इतने क्षेत्रफल का क्या लगेगा? कैनवास, उसके कैनवास की लागत याद करेंगे 70 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर का, यानी एक मीटर स्क्वायर कैनवास का लग रहा 70 रुपया, तो इतने मीटर कैनवास का खर्चा कितना लगेगा? हम 70 से गुणा कर देंगे, 7 से काट दिया 10। अब गुणा करेंगे, देखो हम 24 को 22 से, 24 दूनी 48 की 8, 8 की 4, 24 48, 48 और 4 52, इधर 26 को 10 से गुणा करेंगे तो 260। अब 528 का गुणा करेंगे हम 260 से। अब देखो बच्चों, हमने 528 को 260 से गुणा याद करके देख लिया, तो यह है 1,37,280। तो यह लिखेंगे 1,37,280 रुपये, यह आंसर आ गया। तो सबसे पहले तो हमने क्या याद कर लिया? शंकु की 13 ऊंचाई, ये सूत्र लगा के, ये सूत्र याद करना कि ये शंकु की 13 ऊंचाई का वर्ग किसके बराबर होता है? उसके आधार की त्रिज्या के वर्ग प्लस उसकी ऊंचाई के वर्ग के योगफल के बराबर। तो एक स्क्वायर बराबर होता है r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इस सूत्र से हमने n का मान ज्ञात कर लिया, फिर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र हमने ज्ञात कर लिया और उसको हमने 70 से गुणा कर दिया, क्योंकि जो भी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र आया उतना है तो क्या लगा? कैनवास। तो तंबू में कितना कैनवास लगा? तंबू में कैनवास लगा शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर। तो पहले हमने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल का सूत्र लगा के शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र ज्ञात कर लिया, और जो भी उत्तर आया हमारा उसको हमने 70 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर दर से क्या ज्ञात करना है? कैनवास की लागत, तो उसको हमने 70 से गुणा कर दिया। तो काटने पर, हल करने पर उत्तर आया 1,37,280। तो बच्चों, इसके साथ ही आज हमारे 1 से 4 तक सवाल समाप्त हुए। अब प्रश्न 13 से 3 के आगे के सवाल हम कल के वीडियो में सीखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।